किसान भाइयों नमस्कार। जैविक खेती की मेरी दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान चैनल। आज मैं नींबू का भाग दो के बारे में बात करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा दो चीज़ें, एक के मैं नींबू में खाद प्रबंधन किस प्रकार कर रहा हूं और किस तरह उनकी देखभाल कर रहा हूं। ये मैंने जुलाई में नींबू लगाए थे जब मेरा अमरूद का बाग लगा था, जून के अंत या जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इससे पहले मैं एक बात और करूंगा कि मुझे बहुत सुझाव मिल रहे हैं, आजकल इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इतने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि इतना होगा। और जो हमने अमेजिंग किसान व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पर लोग बहुत ही आपस में बातें साझा करते हैं, जिससे कि मेरा एक उद्देश्य पूरा हुआ कि जो भी किसी किसान को आता है वो दूसरे से साझा करें, और उससे मुझे भी कई बातें सीखने में मिली। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि काम के प्रति ईमानदार रहिए और किसी को भी वो चीज़ बताइए कि जो आपने खुद की। आज मैं आपको नींबू का भाग दो दिखाऊंगा और इसमें किस प्रकार मैंने खाद डाला है और उसके बाद में मैं उसमें पानी दूंगा। क्योंकि इस बार मेरा नींबू लेने का कोई विचार नहीं है, मेरे पौधे छोटे हैं, अभी मैं नहीं लेना चाहता, मैं इनको आकार देना चाहता हूँ। इस नींबू के जो खेत है जहाँ पर नींबू और लेमन लगे हुए हैं, वहाँ पर मैंने सरसों लगाई थी और सरसों से मेरे जो छोटे नींबू के पेड़ थे उनको बहुत क्षति हुई है। सरसों बम्पर हुई है और उसने वो पौधे तोड़ दिए हैं। कोई बात नहीं, उनमें फुटान आ रही है और उसको मैं ठीक कर लूँगा। और कुछ मैंने नए पौधे मंगाए हैं कि जहाँ पर टूट गए या सूख गए वहाँ पर मैं दूसरे पौधे लगाऊँ। ये हुई पहली बात। दूसरी बात यह हुई कि मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कुछ नींबू के पौधे हैं जिन पर मैंने 100% वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव किया और उनके पत्ते थोड़े मुरझा गए, थोड़े से मतलब कुम्हला गए। जिन पर 100% का छिड़काव नहीं किया, मैंने सिर्फ 10% पत्ती का छिड़काव किया। किसान भाई ये भी पूछते हैं 10% क्या होता है, तो 10% पत्तियों के रस का मतलब ये होता है कि 16 लीटर में 1.5 लीटर, जो 16 लीटर की हमारी टंकी होती है उसमें 1.5 लीटर मैंने पत्तियों का रस लिया, 6.5 लीटर मैंने वेस्ट डिकम्पोजर लिया, ये हो गया 8 लीटर, और 8 लीटर पानी मिला, इस प्रकार मैंने छिड़काव किया। उन पर कोई असर नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन कुछ पौधों पर जो एक दो अच्छा पौधा था और एक मैंने जो बाड़ लगाई हुई है किनारे पे, उस पर नींबू तो नहीं आते लेकिन कांटे बहुत बड़े होते हैं, बहुत तेजी से बढ़ता है, उस पर कुछ पौधे खराब हो गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए आप नींबू पर कभी भी 100% का छिड़काव न करें। जो शायद ये पौधे छोटे हैं, पत्ते कोमल हैं, तो इसलिए खराब हो गया, या किसी भी प्रकार पर मेरा ये एक्सपेरिमेंट नहीं था। चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमने गड्ढे बनाए हैं, उसके बाद हम इसमें खाद देंगे और पानी देंगे, तब मैं आपको ये वीडियो प्रस्तुत करूंगा। आइए किसान भाइयों, ये पौधा देखिए, ये बारहमासी नींबू का पौधा है और ये मैंने पिछले साल फरवरी में लगाया था और इस साल फरवरी के पहले सप्ताह में मैंने इसकी कटिंग कर दी। आप देखिए इसकी जड़ से, ध्यान से देखिए कि मैंने इसको किस प्रकार शेप दी है, ये देखिए। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें फूल भी आ रहे हैं, इसमें साल में 2 बार फूल आते हैं और इस पौधे पर बहुत अच्छे नींबू लगते हैं। मैंने एक नींबू लगा कर देखा था और अभी चूंकि मैंने इसकी कटिंग में थोड़ी देर कर दी तो इस पर पूरे फूल नहीं है, क्योंकि मैं इसको एक आकार देना चाहता था और थोड़ा पेड़ को स्वस्थ रखना चाहता था। तो ये देखिए इस प्रकार मैंने इसको सेब दे दिया, ध्यान से देखिए कितना सुंदर पेड़ लग रहा है। और अगले साल से ये भरपूर नींबू देगा, क्योंकि अगले साल तक मैं इसको कम से कम 4 फीट बड़ा तक कर। खेत के इस हिस्से से हमने अपनी सरसों उठा ली है और इसमें ये जो लाइन है अमरूद की तरफ की, ये लेमन की है, जो थाई सीडलेस लेमन है, ये देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका था, काफ़ी ऊपर तक था, करीब 4 फुट तक था, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है इस प्रकार, क्योंकि मैं इसको अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहता, मजबूत होना चाहिए। और ये जो दूसरी लाइन है, ये मेरे पौधे छोटे हैं, ये देखिए ये नींबू है, ये बारहमासी नींबू है, बहुत बढ़िया नींबू है। मेरे सरसों ने इसको ख़राब कर दिया था। सरसों अच्छी पैदावार हुई है और सरसों जब हवा में गिर गई तो
तो उसने पौधे को नीचे दबा दिया, इसलिए ये कुछ पौधे लाइन कितनी साफ लग रही है। इसमें मैंने पूरी सफाई करा दी है और कई बार अपना जो F300 पानी नहीं दूंगा क्योंकि कम चाहिए। अब इस पौधे को ध्यान से देखिए, देखिए कितने कल्ले फूट रहे हैं इसमें, ये देखिए। ये बिल्कुल नीचे गिर गया था, सरसों ने दबा दिया था, लेकिन पौधा स्वस्थ हो जाएगा। अब इसको खाद, अब आप देखेंगे कि ये मेरे जो आप देखेंगे बाउंड्री के पास में मैंने नींबू लगाए हैं, ये कुल 5 रुपए का पेड़ था और ये बहुत छोटा सा पेड़ था जब मैंने जुलाई में लगाया था। तो इस पर आप देखेंगे कि कितने जबरदस्त कांटे आते हैं, ये देखिए इसके कांटे, देखिए आप ये कांटे। तो कुछ दिनों बाद जो है ना, लगभग इस साल के अंत तक ये बिल्कुल मिल जाएंगे और यहाँ से कुत्ता सुअर कोई भी चीज़ जो है ना वो घुसते हुए परहेज करेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए घुसना। अब आप इसे देखिए, इसके पत्ते देखिए, ये थोड़े से कैसे हो गए हैं, ये पत्ते देखिए आराम से। ये क्या हुई है कि एक दिन मैं इन पर छिड़काव कर रहा था और ये जो मेरा ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर का सेटअप लगा हुआ है, वहाँ से आउटलेट से मैंने एक पाइप लगा लिया और मैंने 100% का छिड़काव कर दिया। शायद ये जो पत्ते हैं, ये जो कुम्भला से गए हैं, आप ध्यान से देखें, देखें उसको, तो ये उसका असर है। लेकिन जो पत्ते मजबूत थे उन पर असर नहीं किया। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ प्रयोग में लाने से पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए और उससे के ज़्यादा पौधों को ना हो। अभी मेरे एक दो पत्ते, एक और पौधा मैं दिखाऊँगा, ये देखिए। इस पौधे की बहुत छोटा था, इसकी पत्तियाँ जल गई। कोई बात नहीं, पत्ती नहीं आएंगी, लेकिन क्यों हुई ये देखिए। ये जो पौधा है छोटा सा, हालांकि मैं इनको हटा रहा हूँ, मैंने इन पर ज़्यादा देख, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि ये रास्ते में आ रहे हैं, मैं इनको हटा दूंगा तो। लेकिन देखिए कैसे मुरझा गया है पौधा, लेकिन ये पौधा देखिए, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये क्यों हुआ है मैं इसकी विवेचना कर रहा हूँ। ये लेमन का पौधा है और इसमें जो मैंने सब पत्ते तोड़ दिए थे, जब मैंने इसकी कटिंग की तो मैंने पत्ते तोड़ दिए, इसको भी मैं हटाऊंगा यहाँ से, तो इसीलिए मैंने इस पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। और जब मैंने पत्ती तोड़ दी तो नई कोमल जो ये कल्ले निकले हैं इन पर उसने जो मैंने छिड़काव कराया 100% का, इससे देखे किस प्रकार हो गई, ये थोड़ी कुम्भला सी गई है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आइए अब दूसरे, इसके थावले बनाए थे लेमन और नींबू के, अब इनमें इस प्रकार करो, इस प्रकार गहरी खुदाई कर दी, ये देखिए, हाँ ये देखिए गहरी खुदाई कर दी, जिससे कि इनमें अच्छी तरह हवा का प्रवाह हो और मिट्टी फुलफुली हो जाए। उसके बाद ये हम इसमें ये खाद डालेंगे, ये गोबर की खाद है, गोबर और पत्तियों की जो कंपोस्ट बनाई है हमने, कंपोस्ट है ये, इसको गोबर और खेत से निकली हुई जो घास है जो बरसात में निकली थी उसको हमने कंपोस्ट कर लिया। और ये प्रत्येक पौधे में लगभग 10-12 किलो हम डाल रहे हैं, ये करीब 10 एक तसला हमने बोला है, ज़्यादा खाद का कोई नुकसान नहीं, ये देखिए। तो इस प्रकार हमने ये खाद डाल। किसान भाइयों, ये मेरा नींबू और लेमन का भाग दो है जिसे आज मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, यानी समाप्त कर दिया। मेरी सब तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं नींबू में और लेमन में, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे देखेंगे कि अब ये कितना, जिसमें सरसों कटी थी अब ये कितना साफ हो गया। और मैंने थोड़ा और बदलाव किया है अपने उसमें, क्योंकि खेत को देखकर काफ़ी बदलाव करना चाहिए। जब कोई मकान बनाते हैं आर्किटेक्ट भी 25% जो है ना बदलाव करता है, तो जैसे जैसे मैं देखता हूँ उस तरह बदलाव करता हूँ। और ये मेरा अपना प्रयोग है कि देखता हूँ क्या होता है। पर मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ के नींबू में जो भी ये खाद प्रबंधन होना था ये बहुत पहले होना था, पर चूंकि मेरे यहाँ सरसों थी और मुझे अभी नींबू नहीं लेने हैं, पौधे छोटे हैं, इसलिए देर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे कल्ले चल रहे हैं और अभी मुझे उम्मीद है कि अगले एक माह में बहुत अच्छा बाग ये पेड़ हो जाएगा। तो ये मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार मैं इसको कर रहा हूँ, आइए देखते। देखिए ये मैंने ट्यूबवेल चला दिया और ये इस प्रकार पानी बह रहा है, और इस पानी पर यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक छोटा ड्रम रखा हुआ है जिसमें मैंने 10% माइक्रो न्यूट्रेंट और पत्तियों का रस मिलाता रहता हूँ। 10 में कभी 8 भी हो गया, 11 भी हो गया, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये जो मेरा है, ये पाइप जो है, ये वेस्ट डिकम्पोजर से आ रहा है और इस टोटी को मैंने खोल दिया और ये देखिए पानी में चल रहा है। और इस प्रकार चलते हुए आप पूरा देखिए इसको कि ये किस प्रकार से मैंने यहाँ पर
मेरे पास ड्रिप इरीगेशन नहीं है, मैं लगवाऊंगा, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास एनएफ मात्रा में मजदूर हैं और पानी है। और ये देखिए इस पर कितना साफ बाग लग रहा है। ये जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये लेमन के हैं, और जो इधर ये खम्बे तारबाड़ी के पास जो दिख रहे हैं ये आपको उसके नज़र आएंगे नींबू के। देखिए कितना साफ लग रहा है। और अभी एक माह बाद मैं फिर दिखाऊंगा आपको, जो पेड़ मेरे टूट गए थे वो मैं रिप्लेस कराऊंगा। दूर में आप देखेंगे कि इनको अभी मैं काम कर रहे हैं, ये देखिए वो काम कर रहे हैं अभी उनको लगाने का। और मैं आज ये तीन और है मेरे बाग के, मैं इसको ठीक कर दूँगा। अब आइए दिखाता हूँ वेस्ट डिकम्पोजर मैं किस प्रकार अप्लाई करूँ। ये पाइप है मेरा और इसको देखिए ये चलता हुआ, ये मैंने अपने वेस्ट डिकम्पोजर के आउटलेट से ये जोड़ दिया, ये देखिए। और ऊपर जो वही मेरे तीन टैंक हैं, कल इनमें से करीब 1,500 लीटर के करीब मैंने, बल्कि 2,000 ही चला गया पानी, वो जो वेस्ट डिकम्पोजर था वो मैंने उसमें जिसमें मक्का लगाऊंगा और फिर श्वेता लगाऊंगा उसमें दे दिया मैंने कल पानी। और ये इस प्रकार मैंने यहाँ पर ये जोड़ दिया। ये जो मेरा पाइप देख रहे हैं ये वाला जो है ये इस मोटर से आया है, तो जब हम इसको रोटेट कराते हैं तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं, इस पीले वाले को निकाल देंगे और इसको लगा देंगे और ये पानी रोटेट। तो इस प्रकार ये मेरा प्रबंधन है और आज मेरी ये काम पूरा हो गया। मेरा भाग दो नींबू और लेमन का। और मुझे आपसे एक बात शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग जुड़ रहे हैं और मुझे भी कुछ जानकारी मिलती है। अब देखो इसी बात पर चर्चा प्रारंभ हो गई, यूट्यूब पर कमेंट्स पड़े हैं कि भाई नींबू और लेमन में क्या फ़र्क है। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तरक्की करिए, खुश रहिए, हम खुश होंगे तो समाज खुश होगा, समाज खुश होगा तो देश खुश होगा, और देश खुश होगा तो हम ठीक ठाक काम कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।